कहना चाहूँगा कि अगर जिन भी लोगों ने ये किया उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ें जो हुई है, ये भी जो जो भी प्रोवोक करे जा रही स्पीचेज हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिन्होंने भी ये प्रोवोक करती हुई स्पीचेज या फिर ऐसी स्पीचेज दी हैं, उनका इस जगह पे कोई भी आई थिंक उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली एक दिल्ली दिल्ली में हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, एक शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहते हैं, एक अच्छी अच्छे दिल्ली वासियों की तरह रहना चाहते हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब तक शाहीन बाग में पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था तब तक हम हमेशा ये कहते थे कि आपके पास पूरा राइट है डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, आप करना चाहते हैं आपके तब भी कोई भी डाउट्स हैं आप गवर्नमेंट से आके क्लैरिफाई करिए आपके डाउट्स, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई क्लियर करने की। लेकिन अगर आप प्लान तरीके से, क्योंकि यहाँ पर US के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं, आप वर्ल्ड में ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि जी दिल्ली इज़ अनसेफ या यहाँ पर इतना ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप वर्ल्ड में ये इमेज लेके जाना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है, बिकॉज आप प्लान तरीके से ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। प्लस आप जाके देखिए DCP साहब जो 35 साल की उम्र के, वो ICU में, ठीक है, उसके बाद ACP एडमिट है, हेड कांस्टेबल आप जाके देखिए जो उनकी स्थिति है, यूनिफॉर्म में लोगों के साथ अगर एक सिविलियंस इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो फिर कॉमन आदमी किस तरीके से अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है। जब तक आप पीसफुल तरीके से करना चाहते हैं आपके पास पूरा राइट है, लेकिन ये इसके अगेंस्ट जिन भी लोगों ने ये किया उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ कि जब किसी के साथ भी अगर ऐसा व्यवहार होगा तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। कल आप देखिए 8 राउंड आपने फायर कर दी, कल एक इमेज आई है जहाँ पर आपने कॉन्स्टेबल के सामने पिस्टल लेके खड़े हो गए। ये तो इस तरीके का पीसफुल प्रोटेस्ट आप चाहते हैं? इस तरीके से आप चाहते हैं कि आप ऐसी दिल्ली देखना चाहते हैं या फिर आप ऐसा देश देखना चाहते हैं? बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप प्रोवोक करने वाली स्पीचेस देंगे वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं ये चीज़ कभी भी इसको एंडोर्स नहीं करूंगा कि आप वहाँ जाके प्रोवोक करें लोगों को, अपने लोगों को, या अपने और पराए कौन है, सभी अपने, आप किसी को प्रोवोक नहीं कर सकते। अभी जो सिचुएशन है वो इतनी सेंसिटिव है, आप चाहेंगे कि बैलेंस तरीके से इसका सोल्यूशन निकले, ये नहीं कि आप जाके प्रोवोक करना शुरू कर दें। देखिए आप प्रोवोक करके चले जाते हैं लेकिन अंदर DCP साहब जो ICU में, उनकी फैमिली की क्या स्थिति होगी, आप उनके बारे में सोचिए, ACP साहब के बारे में सोचिए, या फिर आप हेड कॉन्स्टेबल्स के बारे में सोचिए। आपने तो एक स्पीच दे दी, आपका तो काम खत्म हो गया, लेकिन जिन लोगों को इसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है उनके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिफॉर्म में जो लोग हैं, अगर उनके ऊपर अटैक हो सकता है इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं जो कॉमन सिटीजन है या सिविलियन है उसकी क्या स्थिति होगी, वो अपने आप को कितना सेफ़ फील करेगा, वो आप सोचिए ज़रा।